महासु देवता की जय। आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल में पुनः स्वागत करता हूं और आप सभी साथियों से आशा करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप सभी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आज आप सभी के बीच प्रवासी महासु देवता जी की देवन यात्रा की कुछ यादगार झलकियाँ लेकर आए हैं। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। और इस वीडियो बनाने का हम सभी का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो श्रद्धालुगण महासु देवता की देवन यात्रा में किसी कारणवश भाग नहीं ले पाए, वो इस वीडियो के माध्यम से देवन यात्रा का लुत्फ ले सकते हैं और इसका अनुभव ले सकते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के विकासखंड मोरी के बंगान क्षेत्र में प्रवासी महासु देवता जी का एक प्राचीन मंदिर है, जो देवदार के घने जंगलों के बीचों बीच स्थित है, जो देवन के नाम से जाना जाता है। देवन, देवन का अर्थ है देवताओं का वन। आप स्क्रीन में देख सकते हैं महासु देवता जी की देव डोली, ढोल नगाड़ों और समस्त श्रद्धालुगणों के साथ लगातार अपनी मंजिल की तरफ देवन की ओर बढ़ रही है। आप सभी को बताना चाहूँ, देवन पहुँचने के लिए लगभग 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई से होकर गुजरना पड़ता है। आप देख सकते हैं समस्त श्रद्धालुगण महासु देवता की जय जयकार के साथ लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता रहा था देवन जाने के लिए लगभग 8 किलोमीटर पूरी चढ़ाई वाला रास्ता तय करना पड़ता है, जो जोखिम भरा और पूरा जंगल वाला है। आप सभी स्क्रीन में देख सकते हैं किस तरह श्रद्धालुगण महासु देवता की देव डोली को लेकर जंगल के बीचों बीच होकर गुजर रहे हैं और लगातार धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार प्रवासी महासु देवता जी साल भर में एक बार मई से जून के महीने में देवन स्नान करने जाते हैं और परियों से मिलने जाते हैं, और साथ ही साथ 2 दिन प्रवासी महाराज जी देवन स्थित मंदिर में विराजमान रहते हैं, और इसके अलावा ये मंदिर पूरे साल बंद रहता है। साथियों, आप देख सकते हो महासु देवता जी की देव डोली समस्त श्रद्धालुगणों के साथ लगातार ऊपर की तरफ देवन की ओर बढ़ रही है, और बहुत जल्द महासु देवता जी देवन की पावन धरती में पहुंच जाएंगे। समस्त श्रद्धालुगण महाराज के जय जयकारे के बीच बड़े जोश और उत्साह के साथ लगातार तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, और आप बने रहें, जल्द महासु देवता जी अपनी पावन भूमि में पहुँचेंगे। साथियों, आप देख सकते हैं इतना लंबा और कठिन रास्ता पार कर महासु देवता जी की देव डोली ढोल नगाड़ों और समस्त श्रद्धालुगणों के साथ देवन की पावन धरती पर पहुंच चुकी है और लगातार आगे की ओर मंदिर परिसर की तरफ बढ़ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह महासु देवता जी मंदिर परिसर में आ चुके हैं, और आगे आप बने रहें। श्रद्धालुगणों के साथ स्नान के लिए आए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस समय
समस्त देवों का देव मिलाप चल रहा है। तो इसके बाद समस्त देव पूरे मंदिर परिसर की परिक्रमा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे और इस ऐतिहासिक पल का आनंद लें। साथियों, आप देख सकते हो समस्त देव देवन की पावन भूमि के परिक्रमा कर रहे हैं और उनके आगे आगे जिन भी महिलाओं में काली रूप प्रकट है वो अब तक अवतार में आ चुकी हैं और पूरे मंदिर परिसर की परिक्रमा कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें। साथियों, आप देख सकते हो सुबह का वक्त है और इस समय देवन की पावन भूमि में काली पूजन और भूंडा पूजन की तैयारी चल रही है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी भूंडा पूजन और काली पूजन की तैयारी चलती है तो इस मौके पर मौजूद माताएं बहनें यदि वो किसी भी तरह की छाया से या प्रेत आत्मा से प्रभावित रहती हैं तो वह अवतार रूप में आ जाती हैं और इस पूजन के बाद मासू देवता जी के आशीर्वाद से वो पूर्णतः शाप मुक्त हो जाती है। साथियों, आप स्क्रीन में देख सकते हो मासू देवता जी और बाहर से आए अन्य देवतों के साथ पूरे देवन परिसर की परिक्रमा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं आगे आगे महिलाएं जिनमें काली रूप प्रकट है वो आगे आगे नाच रही हैं महाराज के स्वागत में। और आप देख सकते हैं लगातार महाराज जी अपने एक एक स्थान में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं समस्त श्रद्धालुगण महाराज के साथ साथ जगह जगह पर जाते हुए और आप वैसा बने रहे और ऐतिहासिक पल का आनंद लें। साथियों, जिन भाइयों बहनों को हमारे इष्ट देव मासु देवता के बारे में नहीं पता, मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि मासु देवता एक नहीं चार देवताओं के समूह का नाम है और स्थानीय भाषा में मासु शब्द महाशिव का अपभ्रंश है। मासु देवता को न्याय का देवता भी माना जाता है, जिनके निर्णय पर समस्त क्षेत्रवासियों को पूर्ण विश्वास और आस्था है। चारों मासु भाइयों के नाम वार्षिक मासू,
बोठा मासू, बवासी मासू, चालदा मासू है, जो कि भगवान शिव के ही रूप हैं। इनमें वार्षिक मासू सबसे बड़े हैं, जबकि बोठा मासू दूसरे नंबर के, पवासी मासू तीसरे नंबर के और चालदा मासू चौथे नंबर के हैं। वार्षिक मासू महाराज जी का मंदिर मेंद्रथ में है, बोठा मासू महाराज जी का मंदिर हनोल में है, जबकि पवासी मासू महाराज जी का मंदिर बंगान क्षेत्र के ठडियार, देवती और देवन में स्थित है। और चालदा मासू हमेशा जौनसार बावर, बंगान, फतेह पर्वत व हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर रहते हैं। हमारे पूर्वजों के अनुसार बताया गया है कि पूर्व में एक राक्षस हुआ करता था, जिसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और जिसके आतंक से समस्त क्षेत्रवासी परेशान थे। इसके चलते एक स्थानीय ब्राह्मण जिनका नाम हुणाभाट था, उनके द्वारा मानव कल्याण के लिए कुल्लू कश्मीर में जाकर कठोर तप किया गया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव और शक्ति ने मेंद्रथ में चारों मासुओं की उत्पत्ति की और मासू देवता ने राक्षस का वध कर क्षेत्र की जनता को राक्षस के आतंक से मुक्त करवाया। तभी से लेकर क्षेत्र के समस्त लोग मासू देवता को अपने कुलदेव, आराध्य देव मानते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। यदि आप सभी साथीगण हमारे इष्ट देव मासू देवता के इतिहास के बारे में और अधिक जानने की इच्छा रखते हैं तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम सभी आपके लिए मासू देवता के बारे में विस्तार पूर्वक एक वीडियो आपके समक्ष ला सकें। यह हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास है, जिसके माध्यम से हम अपनी विलुप्त हो रही परंपराओं एवं इतिहास को जीवित रख सकें। इसके लिए आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी अपनी परंपराओं एवं इतिहास को जीवित रखने में हमारा सहयोग करें। साथियों, जितना अधिक हो सके हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम इससे भी बेहतरीन वीडियो आप सभी के बीच ला सकें और अपने इतिहास और अपने परंपरा को जीवित रख सकें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद, और हमारे साथ आगे भी जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।